खमा गणी साहब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शो बबाई सास फैमिली में। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट। अभी मैं अर्शु को नहला चुकी हूँ और मैं उसको तैयार कर रही हूँ। आज सोनू ने उसको नहलाया था क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन हमेशा सोनू बोलती है कि आंटी प्लीज़ मुझे नहलाने दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्शु को नहलाना। तो उसी ने नहलाया है अर्शु को। अब मैं इसको ड्रेस वगैरह पहना के रेडी कर दूँगी फटाफट। और तैयार करने से पहले मैं हमेशा उसके सामने वंश लोचन रख देती हूँ ताकि वो आराम से अब ऑयल वॉयल सब लगवा लेगा, कपड़े वगैरह बिल्कुल आराम से पहन लेगा। अगर मैं नहीं रखती तो वो इधर उधर भागता चिल्लाता। बीच बीच में अर्शु की आवाज़ें आ रही है क्योंकि एडिटिंग जब कर रही हूँ अर्शु मेरे पास ही रहता है। बाहर इसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि बाहर उनके पास रहता नहीं है, सोनू और परी हैं बाहर, तो उनके पास नहीं रहता है। मैं रूम बंद करके फिर एडिटिंग करती हूँ तो मुझे बार बार डिस्टर्ब करता है रूम, मतलब गेट बजाता है बार बार, इसलिए मैं इसको अंदर ही ले लेती हूँ, मेरे पास बैठा रहता है। तो अर्शु तैयार हो गया है, बस इसकी चोटी बनानी है तो मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। बाल भी इसके हल्के हल्के सूख गए हैं और चोटी मुझे इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि अगर मैं चोटी नहीं बनाती तो इसकी आंखों में बाल आते हैं और आंखों में बाल आते ही ऐसे बोलते हैं मम्मा बा बा बा, तो फिर मुझे हटाने पड़ते हैं बार बार। क्लिप लगा देती हूँ लेकिन क्लिप निकाल देता है ये, चोटी बना देती हूँ तो फिर पूरा दिन इसकी आंखों में बाल नहीं आते और ये भी सही रहता है। मुंडन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे अर्शु का, क्योंकि अभी अर्शु को दूबर से लग गया है, मतलब सेकेंड ईयर लग गया है इसको। जब सेकेंड ईयर लग जाता है तो हमारे यहाँ मुंडन नहीं होता है, फिर वो तीसरे साल में होता है। तो अब जब अर्शु तीसरे साल में लग जाएगा उसके बाद ही हम उसका मुंडन करेंगे और पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी मैं उसके मुंडन का। हेलो, तो किसी ने कल मुझसे पूछा था कि वंश लोचन जो आप बच्चे को देते हो या फिर आप जब बच्चा नहाता है आपका तब उसको खिलाते हो तो वो क्या चीज़ है और उससे क्या फ़ायदा होता है और आप बच्चे को क्यों देते हो ये सब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा क्लिप बना दूं मैं उनके लिए। दो तीन बार ये क्वेश्चन आ गया है मेरे पास कॉमेंट्स में, तो मैं वैसे तो नहीं समझा सकती कि क्या है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है वंश लोचन। वंश लोचन का बॉक्स है ये और ये आता है 150 का आता है, 150 का आता है ये। और ये कैल्शियम होता है, जो बच्चे मिट्टी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि अर्शु पहले बहुत मिट्टी खाता था लेकिन अब उसने छोड़ दिया, ये 3-4 डब्बे उसने ख़त्म कर दिए हैं और ये बहुत खुश होके खाता है वो, इसका टेस्ट बिल्कुल मिट्टी की तरह ही है, तो वो बच्चा इसको मिट्टी समझ के खाता है और ये कैल्शियम की कमी पूरी करता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मुझे भी कुछ टाइम तक नहीं पता था लेकिन जो फिर मेरी फ्रेंड है उसने बताया एंड यूट्यूब पर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट में बोला कि आप ये दो बच्चे को तो ये मिट्टी नहीं खाएगा, कुछ लोगों ने उसको मिट्टी खाते हुए देखा था वीडियो में, तो इस वजह से फिर मैं ये लेके आई और मुझे इसका पूरा फ़ायदा मिला है। बहुत अच्छी चीज़ है और कितना भी अर्शु रोता हो ना उसको मैं एक या दो ये ऐसे दे देती हूँ ना उसको, ये इस टाइप से आती है देखो, छोटी छोटी साइज़ अलग अलग है लेकिन ठीक है। अर्शु इसको बड़े मज़े से खाता है, बड़े शौक से खाता है, तो अगर आपका बच्चा भी मिट्टी वगैरह खाता है या फिर उसमें कैल्शियम की कमी है, दवाइयाँ नहीं लेते हैं बच्चे, मेरा बच्चा भी बिल्कुल दवाई नहीं लेता है, अर्शु को दवाई देते ही उल्टी हो जाती है, तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों दवाई की जगह मैं ये यूज़ करूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, अगर आपका बच्चा भी मिट्टी वगैरह खाता है तो आप भी उसे दे सकते हैं। वंश लोचन इसे बोलते हैं, किसी भी शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके,
सब लोग नहा के रेडी हैं और मेरे हस्बैंड ने बोला कि फटाफट खाना दे दो, मुझे बाहर जाना है। तो मैं अभी रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाने के बाद मैं उनको खाना खिला के फिर परी को सबको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद खाना खाऊंगी। और खाना आना खाकर सब आराम से सोफे पे लेटे हुए हैं, सब लोग टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड बाहर चले गए हैं, बच्चे और मैं ही हैं घर पे। अर्शु भी मस्ती कर रहा है, सो के उठ गया है, एक बार तो सो लिया है, अब दोबारा सोएगा तो सोएगा वरना नहीं सोएगा फिर पूरा दिन, फिर रात को ही सोएगा ये। क्या ये बच्चा? किसका बच्चा? बच्चा बेबी बेबी क्या अर्शु? बच्चा नहीं बेबी 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 देखो बेबी बेबी कहाँ है? ये क्या है? बच्चा किसका बच्चा? अर्शु क्या है? बेबी को ऐसे नहीं करते, बेबी को ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं बेबी को। अरे वाह, उठा रही भागे। कहाँ जा रहा है अर्शु? बाहर नहीं जाना, इधर आ जाओ। बेबी बेबी दिखाओ, बेबी अच्छा रो मत, ले ले बेबी, ले 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 बेबी। अर्शु उसको ऐसे मत कर, लाओ अच्छा मेरे को दे दो बेबी, लाओ बेबी दे दो मेरे को, कहा ना बेबी दे दो बेटा, और गिरा देखो बेबी। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, प्यार से पकड़ो तो बेबी को, देखो बेबी कितना सुंदर सुंदर सो रहा है बेबी। लाओ 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 मम्मा को दे दो बेबी। तो तू क्यों हाथ में उठा रहा है? हाँ बेबी बेबी, क्या हो गया बेबी को? बेबी इधर आओ मेरे पास, यहाँ जो बैठो, यहाँ बेबी दू। अर्शु यहाँ बैठो, अर्शु इधर आके बैठो, तो फिर बेबी दूंगी, देखो कितना सुंदर सुंदर बेबी डांस कर रहा है। इधर आओ बैठो, हाँ बैठो, पहले बैठो बैठो फिर बेबी दूंगी, बैठ जाओ। गुड बॉय गुड बॉय, हाँ बेबी ले लो, बेबी को दबाना नहीं है, मर जाएगा वरना बेबी। और उसके बाद शाम को हम हेरिटेज बाज़ार चले गए थे, क्योंकि पवन को मैंने बोला था कि आज अपन WTP चलेंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए, मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, हम लोग बहुत लेट हो गए थे, फिर मैंने कैंसिल कर दिया था जाना, तो मैडम को गुस्सा हो गई थी वो, इसलिए उसको मनाने के लिए मैंने बोला चलो हेरिटेज बाज़ार घुमा के लाती हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थोड़ी देर के लिए।
और हमारी परी भी गुस्सा हो गई थी कि मम्मा आप लेके नहीं गए, आपने प्रॉमिस किया था ये वो। तो मैंने उसको भी बोला कि चलो आज मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाती हूँ, लेकिन अपन अगले संडे चलेंगे। तो वो बोले चलो ठीक है मम्मा, फिर पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो अभी बड़ी बेसब्री से ये दोनों पिज़्ज़ा का वेट कर रही है, क्योंकि पिज़्ज़ा वाले का फ़ोन आया था कि बस मैम मैं आ ही चुका हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं। ये वेट कर करके थक गई और फाइनली लिफ्ट में पिज़्ज़ा आ रहा है, क्योंकि योगेश था नीचे तो उसने लिफ्ट भी रख दिया था। तो ये दोनों अभी वेट कर रही हैं पिज़्ज़ा का। तो अभी हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, आज खाना वाना नहीं बनाएंगे, बस पिज़्ज़ा खा के और सो जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शाम को नहीं खाते हैं रोटी। फ्रूट्स वगैरह काट दूँगी मैं उनके लिए, या फिर एक दो स्लाइस पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।